आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कैसे बनाएं, तो देखें इसको। सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करें। और उसके बाद इसको मिला दें, इस पोजीशन पे आ जाते हैं एंटीपोडल सेल। यहाँ पे कौन आ जाते हैं? एंटीपोडल सेल। और पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे एंटीपोडल सेल की संख्या कितनी थी, 3, 1, 2 और 3 एंटीपोडल सेल। और सेंटर में क्या आएंगे? सेंट्रल सेल, जिनके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये क्या हो गए? सेंटर सेल, सेंट्रल सेल, जिसके पास पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं? 2 हैं। अब यहां पे देखेंगे 2 सिनर्जिड्स। ये क्या हो गए? 2 सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। और इस सिनर्जिड्स के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि सिनर्जिड्स के सेल में एक स्पेशल लाइक स्ट्रक्चर प्रोसेक्ट करते हैं, और इस स्पेशल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, वह पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स के अंदर आने में हेल्प करते हैं। तो फिर से देखें, एम्ब्रियो सैक में ये एंटीपोडल सेल, जिसका नंबर टोटल कितना है? 3। 1 है सेंट्रल सेल, 2 क्या है? सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस जो होते हैं, वह पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स के अंदर होने में हेल्प करते हैं। और एंटीपोडल ये जो सेल होते हैं, एक्चुअली यह प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे। किस पे? माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल में देख रहे हैं एंटीपोडल सेल, जिसका नंबर कितना है? 1, 2, 3। सेंटर सेल नंबर कितना है? 1, लेकिन इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और यहां पर देख रहे हैं 2 सिनर्जिड्स हैं, और इस सिनर्जिड्स में स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं सिनर्जिड्स के अंदर जाने में। और यहाँ पर सिनर्जिड्स के ऊपर में एक सेल होता है जो मिडिल सेल के नाम से जाने जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? एग। इसको क्या कहते हैं? एग। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर किसके हो गए? एम्ब्रियो सैक के। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन को देखेंगे।